शेरिड रन जो है सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा के बारे में नहीं है, इसका लार्जर मीनिंग ये नहीं है कि आप टी शर्ट निकाल के स्पोर्ट्स ब्रा पहन के भागे। जो आपको चीज़ रोक रही है लेकिन आपके करने का बहुत मन है वो करना काफ़ी ज़रूरी है। मेंटेलिटी ऐसी है कि अगर लड़की पूरी ढकी हुई है तभी वो अच्छी है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं इसको लेके कि इतने टाइट फिटिंग कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये कुछ और सिग्नल देता है जो एक्चुअल में कॉज नहीं है। मैं अपने स्पोर्ट की वजह से ऐसे कपड़े पहन रही हूँ। शुरुआत में जब मैंने दौड़ना शुरू किया था तो मैं हमेशा लूज कपड़े देखती थी, लगता था कि कपड़ों में पेट दिख रहा है या कुछ। धीरे धीरे दौड़ने के बाद मुझे लगने लगा कि मेरी बॉडी मैं एक ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है, और जैसे मैं हूँ तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। दिल्ली में लड़कियाँ वैसे ही सेफ फील नहीं करती हैं, तो जब मैं सुबह निकल रही थी तो मुझे यही लगा कि अगर ग्रुप है तो मैं ठीक है ऐसे स्पोर्ट्स ब्रा में रन कर सकती हूँ। नॉर्मली भी ऐसा होता है कि गाड़ियाँ रुकना शुरू हो जाती है या लोग ईव टीजिंग करते हैं। सर आई एम अ मदर, मेरे बच्चे भी देखते हैं कि कैसे उनकी मॉम हर एक दिन छोड़कर सुबह निकल जाती हैं और अपना बहुत ध्यान रखती हैं। One of my husband's aunts, she called me and I thought she was going to criticize me. She was so enthusiastic. I mean, this is an Indian woman in her mid-80s and she said, you girls are just doing a fantastic thing. This is just amazing. I am just so proud of you. And I was absolutely blown away by her reaction. मुझे नहीं लगता मैं अभी भी अकेले स्पोर्ट्स ब्रा पहन के दिल्ली की सड़कों पे अकेले भाग सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी सेफ्टी को लेके काफ़ी कंसर्न है।